बांकी बिहारी लाल की जय। सबसे पहले तो आप सभी को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को अजय एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा, क्योंकि इसको सुनने मात्र से ही आप सभी को आज एकादशी पर पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में बिहारी जी के दर्शनों का आनंद लें। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत का क्या विधान है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई और व्रत नहीं है। अब मैं आप सभी को अजय एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुने। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम का एक राजा हुआ था। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में इनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्यता के साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा विष्णु महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपना राज्य प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास का विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसी एकादशी के व्रत की कथा के श्रावण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आप सभी को
अजय एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सभी को आनंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे। जय बिहारी जी की। कुंज बिहारी श्री हरिदास।